पास लो कॉस्ट मटेरियल पर बना हुआ एक्सपेरिमेंट है जो कि इन्होंने नहीं बनाया, जैसा मैंने बताया इन्होंने स्टूडेंट को ट्रेंड किया और स्टूडेंट ने बना के इनको दिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे टीचर कुछ नहीं लेके आते, हम अगर चाहें तो हम खुद टीचर के लिए कुछ बना के ले जा सकते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन करने का जो मेथड है, मोड है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कौंडिन्या जी कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, ऑलमोस्ट इनके पास 40 मिनट है, 40 से 45 मिनट में जितना ही एक्टिविटी आपको दिखाएंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले। ओके, सो ओवर टू कौंडिन्या। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सो माय नेम इज कौंडिन्या एंड आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई एम अ फिजिकल साइंस टीचर। सो पहले बात यह है कि जैसे ही हम फिजिक्स बोलते हैं और क्लास में घुसते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो डिटैच हो जाते हैं हमसे। ये तो आपको ज़्यादा मालूम है हमसे ज़्यादा, ये ह्यूमिलिएशन होता है फिजिक्स टीचर का फर्स्ट, क्योंकि जब भी हम नंबर के साथ या कोई मतलब डेरिवेशन के साथ बोर्ड पर लगते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा भी है, प्रॉब्लम करिकुलम का भी है, चलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब ओवरकम करके हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स को हम स्टूडेंट का फ्रेंडली कैसे बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ 30 मिनट्स, वी ऑल नो दैट। 30 मिनट से ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि जब भी क्लास में जाऊँगा तो कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा, कोई तो मेरे हाथ में कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं तो एक पेपर लेके जाऊँगा, ताकि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि आज कुछ सीखेंगे नया। क्योंकि जब तक स्टूडेंट सीखने का कोशिश नहीं करेगा, जब तक खुद अपना फेल होके सक्सेस होने का कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएगा। जैसे हम सब जानते हैं, मैं आपको शुरू करूंगा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से जिसमें कुछ नहीं लगता है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में बैठिए तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। देखिए, अब मैं यहाँ पे ऐसा बैठा, देखिए मेरा हाथ ऐसा है, अगर मुझे उठना है तो कैसा उठना है? देखिए, अगर मुझे उठना है तो मैं क्या ऐसा उठूंगा, उठ पाऊंगा? नहीं उठ पाऊंगा बिल्कुल। क्यों नहीं उठ पाऊंगा मैं ऐसा? क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मेरा वर्टिकल लाइन में सीधा नीचे जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर है। जब मुझे उठना है तो मुझे ऐसा करना है ना आगे, तब जाके मैं शिफ्ट कर रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्ट्रेट लाइन में। देखिए, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ पैसा ही नहीं लगता है, ठीक है। तब पहले तो ये लगना चाहिए हमें कि हम फिजिक्स सीख सकते हैं। जैसा एक चेयर है, आपने कभी देखा कि कोई चेयर है तो चेयर को हम जब पुश करते हैं तो कैसे पुश करते हैं? आपने कभी चेयर को, मेरे पास अभी चेयर नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते यही चेयर, ठीक है। तो जब हमें चेयर पुश करना है या कोई ऑब्जेक्ट पुश करना है तो हम ऐसा पुश करते हैं, ठीक है, तब जाके वो पुश होता है। क्या आपने कभी देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा पुश करते हुए? क्यों पुश नहीं कर पाते हैं ऐसा? क्यों वो मूव नहीं होता है? उसका रीजन है ना, क्या रीजन होगा उसमें रीजन ये होगा कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा अप्लाई करेंगे जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल में रहे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और वर्क का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग वर्क क्या होता है? कोई एनीबॉडी? वर्क W इक्वल्स टू, एक्सलेंट, फोर्स इंटू, बस आगे और कुछ जाइए आगे, इंटू, एक्सलेंट, तो cos थीटा है। तो वो हम मिस कर देते हैं cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो तो एक डॉट प्रोडक्ट है ना, f डॉट s है, f डॉट s का मतलब, हाँ ये सब बोर्ड में जाएंगे तो कोई बच्चा नहीं सुनता है, क्योंकि जब भी हम सीधा f डॉट s लिखेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होता जैसा एक एक्टिविटी से कनेक्ट होता है। वो कोशिश करेगा कम से कम, वो इसलिए नहीं खिला पाते हैं क्योंकि आपका cos थीटा जो है cos 90 हो गया, जिसका वैल्यू है 0। आप जितना भी फोर्स अप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि f इंटू 0 इक्वल्स टू 0, वहां पे 0 वर्क डन हो गया आपका। तो इससे क्या पता चला हमको, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सरफेस से 90 से कम, ठीक, तो 0 चलेगा, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट पुश करेंगे तो ऐसा पुश करिए, जब भी आप ऐसा पुश करने का कोशिश करेंगे तो आपका फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क कम होगा, और ऐसा करेंगे तो वर्क होगा ही नहीं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, एक रुपया भी नहीं लगेगा आपको इन चार्ज, मतलब इन चीजों में, मतलब इंटरेस्ट लगाने में, क्योंकि फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ, चलिए आप लोग सुने होंगे
जब भी लैंग्वेजेस का टीचर्स क्लास में आते हैं तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली उससे कनेक्ट रहते हैं। नहीं, बात यह है कि वो लोग किसी के बारे में बोलेंगे, राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में या कुछ भी, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारा दिक्कत यह है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, जो आप नहीं है, हम नहीं है, और कोई नहीं है उसमें। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप लोग सब जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए मैं इसको बोलूंगा, देखिए इसमें क्या पैसा लगेगा आपको। पहले मैं एक्शन रिएक्शन एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए बोलूंगा तो बच्चे थोड़ा डर जाएगा, ये कुछ और बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये तो देखिए सिर्फ बच्चों से बनवाया मैंने, एक पेन कैप है टूटा हुआ और कुछ नहीं, इसको बस अब छोड़ेंगे तो जाएगा। बात ये नहीं है कि जाएगा, सब जानते हैं जाएगा, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लास नाइन्थ में, है ना, क्लास नाइन्थ में पढ़ेंगे ना न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन जब क्लास नाइन्थ में आप न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो हम टीचर का काम है एक कॉम्पिटिशन लगाना कि कौन, एक रेस लगाएंगे, चलिए एक 15 जन का नाम लेंगे और रेस लगाएंगे, हर ग्रुप में दो दो बच्चे होंगे और रेस ये होगा कि सॉफ्ट फ्लोर में होगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, किसका ज्यादा दूर जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि चलो यार वो मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ है सिर्फ, नहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ ही नहीं है, आप अगर ये काम बच्चों को देंगे तो इतना मतलब बढ़िया बना देंगे उस वर्क को। देखिए इसमें एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, इसमें अगर आप बोलेंगे कि इसका शेप को चेंज करने से अगर वो ज्यादा स्पीड जाएगा या इसका मास को घटाने से ज्यादा स्पीड जाएगा, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने से ज्यादा मतलब स्पीड जाएगा, ये सोचने में स्टूडेंट को टाइम लगता है और स्टूडेंट में डिस्कशन होगा। सो डिस्कशन ही तो साइंस है, जब डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे तो साइंस ही नहीं है, वहां पे क्वेश्चन करना चाहिए और टीचर का काम है वो क्वेश्चन करने के लिए उसको मतलब ये करें, इंकरेज करें, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग स्टूडेंट जब उल्टा सीधा बोलते हैं ना, मतलब बैठ जाओ क्लास में, जब हम बैठ जाओ बोलते हैं तो मतलब एक जना भी नहीं उठेगा वहां पे आगे, कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी फेल्यूर को थोड़ा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, फेल होते हैं कोई बात नहीं, होंगे 10 बार होंगे तो 11 बार सक्सेस हो जाएंगे, 100 बार फेल होंगे तो 101 टाइम इज आवर्स, डेफिनेटली यू शुड नॉट लूज द होप। देखिए मैं कल सर दिखाए थे आपको, कोई अगर कल नहीं अटेंड किया तो देखिए हमारा स्कूल में एक टॉय का शो हुआ, ठीक है मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, तो एक साइंस का मतलब टॉय का शो हुआ, तो एक एक टॉय सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, ऐसा वाला एक टॉयस आप देखे होंगे, ये ऐसा गिरता है तो ऐसा उठता है ऊपर, तो ये 200 रुपये में एक टॉय बेच रहे हैं। तो एक 6th क्लास की लड़की बोली मुझे, सर हमारे पास 200 नहीं है, हम कल पेरेंट लेकर दे देंगे आपको, आप मुझे 200 रुपीज दो। तो मैं पूछा कि किस लिए चाहिए 200, तो मैं बोला कि वो बोल रहे कि ऐसा टॉय चाहिए मुझे, मैं बोला कि 2 रुपये नहीं लगता इसमें, तो किस बात की 200 रुपीज, वो वाला टॉय किसी ने बनाया है, उसमें तुम कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही नहीं, वो 6th क्लास की लड़की है, उसको मालूम भी नहीं सेंटर ऑफ मास होता क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हम 11वीं में पढ़ाते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, फ्यूज बल्ब है, मैं बोला एक ही बात कि जहां पे तुम उसको खड़ा करना चाहते हो वहां पे ज्यादा मास चाहिए और बाकी में नहीं। अब देखिए इसमें उसने थोड़ा आयरन बॉल्स लिया और उसके ऊपर वैक्स डाल दिया, वो फिट कर दिया, अब देखिए टॉय है। अब मैं उस लड़की को 11वीं में लेके गया और उनको बोला कि ये बनाइए ऐसा, और तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं है, देखिए वो कैसे बनाए, तो ऐसा एंकरेज करेंगे। अब छोटा छोटा मतलब उनको कितना भी छोटा एक्सपेरिमेंट करें, और आप लोग भी करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो बड़ा होकर आप कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि आप ध्यान से सोचिए एक बात, जब आप 12th क्लास में रहेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेंज ला हो या फारडेस ला हो, कुछ भी हो, आप भी पढ़ेंगे और 5th क्लास वाला भी वही आंसर पढ़ेगा, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि 5th क्लास वाला उसको समझ नहीं पाता है और 12th क्लास वाले को समझना चाहिए एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए और एक हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे जो भी क्लास 12th का होंगे, आप लोग किरचॉफ लॉ के बारे में जानते ही होंगे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ 2 लॉस है, वन इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट लॉ, अदर इज कॉल्ड किरचॉफ लूप लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ। देखिए यहाँ पे अगर आप कहीं कंपनी जाएंगे या अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाएंगे तो 450 से लेकर 500 तक मिलेगा आपको एक किट, ये 15 रुपये में बना है, मात्र 15 रुपये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, 15 रुपये तो कुछ भी नहीं है, आराम से। देखिए जितना वोल्टेज हम यहाँ पे देंगे, ये छोटा सा सर्क्यूट है, एक लोड दिया एलईडी बल्ब, एक ये दिया रेसिस्टर है, ऐसा 3 है यहाँ पे, यहाँ पे हम ईएमएफ देंगे, अब यहाँ पे मेजर करेंगे, देखिए वी ए वोल्टेज अप्लाइड, वी1 वी2 वी3
So VA minus V1 minus V2 minus V3 is always equals to 0. हाँ, 0.01 या 0.1 फर्क आता भी है, एरर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना तो मल्टीमीटर का एरर होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब स्टूडेंट ऐसा बनाना सीखेगा तो he'll excel like anything. देखिए, मैं आपको एक और बोलता हूँ. हमारा केमिस्ट्री टीचर है तो उनके साथ बहुत बार मतलब हमारा बात हुआ, तो वो बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स का शेप्स और ये सब मतलब बहुत डिफिकल्ट फेस कर. तो मैं बोला कि एक काम करते हैं, एक गेम बना देते हैं, क्योंकि बच्चे जब भी गेम बोलते हैं तो ज्यादा इंटरेक्ट हो जाता है. चलो ये गेम खेलते हैं. चलो एक डायरी मिल्क का मतलब तीन लोगों का एक टीम बनाते हैं, एक 30 जने को 10 टीम बना देते हैं, और पहले दिन ही आप बोल दीजिए कि कितना मॉलिक्यूल्स है, और बोलिए क्या शेप्स है आपके पास, और क्या मॉलिक्यूल्स है, और क्या बॉन्ड एंगल है, और तीन जने का एक टीम रहेगा. देखिए आप लोग भी खेल के देखिएगा, जितना मॉलिक्यूल्स है सब लिखेंगे टीचर, लेकिन उल्टा करके देंगे एक लड़के को और बोलेंगे यू हैव टू चूज 5 फ्रॉम इट. तो उसने 5 चूज किया तो 5 को ऑर्डर में लगाया उसने. अब दूसरे का काम है, मान लीजिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, ऐसा मॉलिक्यूल्स है. अब दूसरे का काम है वो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट शेप क्या है. देखिए टीम वर्क कितना बढ़िया है इसमें यह है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें ये देखूंगा कि मेरा टीम भी पढ़ रहा है, तब जाके हम लोग जीतेंगे. क्योंकि स्टूडेंट एज में तो जीतना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मायने देते हैं उसमें. देखिए ये एक गेम बनाया मैथमेटिक्स के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आप खुद बना सकते हैं. लेकिन एक बात तो जरूर है, आप लोग कभी भी देखिए आप जीत ही नहीं पाएंगे. जो बनाता है वही जीतता है, जो ये गेम बनाता है वही सिर्फ जीत सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ देखेंगे जीत नहीं पाएंगे. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 4th क्लास 5th क्लास बच्चों के लिए गेम है. देखिए एक तीन सर्किल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं तीन सर्किल है. देखिए तीन सर्किल है, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा, यहाँ पे भी नंबर्स लिखा, यहाँ पे भी नंबर्स लिखा. अब एल्गोरिदम ऐसा है कि मैं कोई सा भी तीन नंबर को लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 6, 3, 4 को एक लाइन में लिया, तो 6 + 3 हुआ 9, 9 + 4 हुआ 13. तो अगला मैं चाहूंगा 3 + 8 इज 11, 11 + 9 इज 20. लाइक दैट यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट सम्स, बट यू आर गोइंग टू फाइंड ओनली वन कॉम्बिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू हैव द सम विच इज इक्वल्स टू ऑल द सम्स. दैट मीन्स एक ऐसा नंबर आएगा मान लीजिए 20, तो हर जगह में आपको 20 ही 20 मिलेगा. इसमें क्या फायदा है, आधा घंटा कम से कम 4th क्लास 5th क्लास वाला कोशिश करेगा और उसका फ्रेंड को भी बोलेगा तुम मेरा हेल्प करो, और वो लोग टाइम लगा देंगे गिनने में, तब इतना फास्ट हो जाएगा आधा घंटे के बाद 2 + 3, 3 + 4, 5 + 3, वो फटाफट बोलने लगेगा. क्योंकि यहाँ पे जीतना हारना काम नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद है उसको एडिशंस को मतलब प्रैक्टिस करवाना. तो वो ऐसा बोलूंगा मैं बोर्ड पे लिख के तुम एडिशन करो, उसको मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा आएगा क्योंकि वो जीतने के लिए खेलता है. चलिए यहाँ पे देखिए एक 10वीं वाला एज वेल एज 12th क्लास, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड एज फैराडेस लॉ. अब मैं फैराडेस लॉ बोलने से पहले क्या पूछता हूँ आपसे, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं. मेरे हाथ में एक सिरिंज है, ये आप जानते हैं सब लोग, ये आप मुफ्त में वेटरनरी डॉक्टर के पास मिल जाएगा ये, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है बड़ा, और ये कॉपर वायर, और ये LED बल्ब, ये हर कोई क्लास में बोल देगा आपको आंसर, और ये मेरा हाथ में मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट इसमें मैं डालता हूँ और मैं ऐसा इसको करूंगा तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द लाइट ग्लोस, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में लेकिन लाइट ग्लोस. देन व्हाई द लाइट इज ग्लोइंग, एनीबडी, सर सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा प्लीज, व्हाई द लाइट ग्लोस. इफ आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस देन व्हाई द लाइट ग्लोस इज द क्वेश्चन, एनीबडी. इसमें कोई कॉम्प्लेक्स का सर्क्यूट नहीं है, ना इसमें ट्रांसिस्टर लगा हुआ है, इसमें तो सिर्फ एक मैग्नेट है, कॉपर वायर है और एक LED बल्ब है, और कुछ नहीं है इसमें. यहाँ पे अगर आप सिरिंज नहीं लेना चाहते हैं तो एक मोटा सा PVC पाइप भी ले सकते हैं जो कटा हुआ, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं. कोई बोल सकते हैं क्या हम बोले, चलिए बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी गुड आंसर. देखिए जब भी एक मैग्नेट आप लेते हैं तो मैग्नेट की चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जानते हैं ना आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, द इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स. जैसा इसके अंदर डाला और यहां पे किया तो लाइट जला क्या, मैग्नेट तो अंदर ही है फिर भी लाइट नहीं जला, क्या रीजन हो सकता है, मतलब सिर्फ मैग्नेट और कॉइल नहीं है और कुछ है,
चलिए अब बच्चा बोलेगा नहीं सर आपने हिलाया, उसको थोड़ा ये करो, मैं स्लोली हिला रहा हूँ, तब क्या जलता है क्या? नहीं, मुझे फास्ट से करना पड़ता है। तो फास्ट से करने से क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप? फ्लक्स को चेंज ला रहे हैं कंटिन्यूअसली। जब फ्लक्स को कंटिन्यूअसली चेंज लेके आते हैं तो कौन प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो किसको ट्रिगर करता है? इंड्यूस्ड करंट, तो वो करंट से बल्ब जल रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बोर्ड में लिखेंगे क्या है, यही तो है जनरेटर। जनरेटर तो ऐसे ही काम करता है। और द जनरेटर वर्क्स, इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ना बैटरी है मेरे पास, वो अपने आप इंड्यूस हो रहे करंट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। चलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे। चलिए हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन दिखाएंगे, माने ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है? देखिए एक पीवीसी पाइप है, यहां पे एक बैटरी लूंगा मैं, इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी को और इसको इसके अंदर डाल दूंगा। देखिए ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, बट जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो यू कैन ऑब्जर्व द लाइट ग्लोस। देखिए ये क्या है, प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर चलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोग जानते ही हैं, बारहवीं में है आपका, ठीक है। तो ये लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे आराम से समझ सकते हैं, स्पेशली क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, ये सब बच्चे आराम से समझेंगे। देखिए मेरे पास तीन सिरंज है, एक में सैंड है, इसमें सैंड। देखिए अब मैं बोलूंगा उसको, इसको कंप्रेस करो, क्या कंप्रेस कर पाएगा? कंप्रेस कर पाएगा? इसको कंप्रेस कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस में क्लोजली इतना पैक होता है कंप्रेशन, लेकिन आप एब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको। लिखिए ये क्या है, एक लिक्विड है। चलिए मैं इसका भी कोशिश करता हूँ, एक लिक्विड लिया अंदर वाटर और उसको कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन होगा नहीं है। फिर भी वही हाल है क्योंकि लिक्विड में गैप होता है, लेकिन वो गैप इतना छोटा होता है कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए एक गैप, देखिए अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं है, अब क्या है? एयर, ठीक है। कभी भी बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर है कुछ, क्या है? एयर। एयर इज आल्सो ए मैटर व्हिच कंटेन्स पार्टिकल्स। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको क्लोज करता हूं और यहां से मैं प्रेशर देने का कोशिश करता हूं, देन व्हाट यू हैव ऑब्जर्वड, द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। व्हाई द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग? बिकॉज़ आई एम अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर यहां से दे रहा हूं, तो मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। प्रेशर जब बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या होती है? घटती है ना। तो व्हेन द प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, देन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये कौन सा प्रिंसिपल है? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। बॉयल्स लॉ सर, ओके। पीवी जानते हैं आप लोग, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो जब पीवी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, नॉट ओनली दैट, वो कंप्रेसिबिलिटी भी समझ लेगा। अब वो समझ लेगा कि गैस सिलेंडर कैसे भरते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि मतलब आप उसके लिए ज्यादा कुछ मतलब जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बनवाएंगे, कहीं नहीं सर, 10-15 रुपए 20 रुपए ज्यादा है। आप कभी भी ना उसको एंकरेज मत करिए कि उस कंपनी में जाओ, वो खरीदो, इस कंपनी में जाओ। कभी भी स्टूडेंट बाहर से खरीदता है तो एक रेडीमेड किट ले लेता है वो। अब रेडीमेड किट में वो मतलब ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है जितना आप खुद बनाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे ट्रायल्स करना पड़ेंगे, लेकिन यू विल गेट सक्सेस, तो आपको मजा भी आएगा। आप 10 बार फेल होके 11वीं बार एक बार कोशिश करिए और सक्सेस हो गया तो आपका मजा ही अलग है। जैसा वी आर गोइंग टू हैव दिस, ओके राइट। आप लोग जानते हैं साउंड, साउंड इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं। और साउंड वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंटेन्स कंप्रेशंस एज वेल एज रेयरफैक्शंस। देखें कभी कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। उतना ही नहीं, इसको आप ना यहाँ पे डालेंगे, इसको एक धागा है यहाँ पे डालेंगे तो नीचे मारिएगा तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को सुन सकते हैं आप। यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज साउंड ऑफ रेयरफैक्शन। ये मजेदार बात है। अब इसको ऐसा खेलते हैं ना, ये टॉय बन गया, नहीं उसको ऐसा मत खेलिए, ऐसा ऑब्जर्व करिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको और एक मॉडल दिखाता हूँ। देखिए ये एक पेपर को लिया, उसको मैंने थोड़ा स्लिट बनाया, तो ये हो गया
मोबाइल फ़ोन लेंगे और इसमें से लाइट पास करेंगे, तो आप लोग जानते हैं लाइट तो ट्रैवल होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डब्बा है बस और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को रखा, तो आप ऑब्जर्व करिए मोबाइल फ़ोन से, इसको ऐसा लगाऊंगा तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते, मैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लाइट है, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट ऐसा जा रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड कॉन्वर्जिंग ऑफ लाइट। आप एक बाइकॉन्वेक्स लेंस को लें, बाइकॉन्केव लेंस को लेंगे, यहाँ पे लगाइए, यू कैन एबल टू ऑब्जर्व दैट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब आप सिर्फ बोर्ड पे डालेंगे डायग्राम और ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट वेन एवर मैग्नेट इज मूविंग इन साइड द कॉइल इट विल जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? जानते हैं ना सब लोग, तो मैं जितना ज़्यादा फ्लक्स लेके आता हूँ तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये क्यों गिर रहे हैं नीचे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हर जगह में ऐसी है, या शायद रूम के बाहर कुछ और होगा, नहीं, हर चीज़ में ऐसी है, आप में, मेरे में, हर चीज़ में एक ही है ना, तो 9.8 बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 है। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको इसमें डालता हूँ, डाल के देखो एक बार, ठीक है? देखिए ये चिपकता नहीं है, इतना टाइम क्यों लगा इसको, बहुत टाइम लग गया ना, देखिए अब ऐसा कैसे गिर रहे हैं। अब देखिए और एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत टाइम लग गया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? एनीबडी, लेट्स गो फॉर अ ट्रायल। यस सर, यस, नहीं इसके अंदर ऐसा, अच्छा मतलब ये तो बहुत छोटा स्मूथ सरफेस है सर, मतलब चलो मान लेता हूँ फ्रिक्शन है, लेकिन उस फ्रिक्शन में इतना दम है कि उसको रोके, क्या सिर्फ फ्रिक्शन से हो जाता है सर? इतना टाइम फ्रिक्शन में, अंदर भी बहुत सॉफ्ट सरफेस है, कॉपर तो ऐसा देखिए बहुत सॉफ्ट है, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस, तो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। दूसरा चीज, चलिए मैं कोई वही मैं चलिए देखिए, आप देखे होंगे, चलिए हम बोलते हैं जब भी द मैग्नेट इज गोइंग टू मूविंग इनसाइड इट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये अंदर से जा रहे हैं, देखिए ऐसा जा रहा है, देन आप जानते हैं मैग्नेट से क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी एक्ट, देन व्हेन एवर द मैग्नेट इज गोइंग इनसाइड इट देन इट क्रिएट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां पे है वहां पे इंड्यूस्ड करंट है। आप सब जानते हैं ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, जहां पे करंट है वहां पे कौन है, जहां पे भी आप करंट जाता है वहां पे कौन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो यहां पे मैंने इसको नहीं डाला और इसको डाला, दोनों केसेस से मैंने इसको नहीं डाला, ये सिर्फ कॉपर पाइप है, मैंने इसको डाला, ये खुद एक मैग्नेट है। अब मेरे पास एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट है कॉपर पाइप, दूसरा मैग्नेट है ये, अब एक दूसरे को रोक रहे हैं, और लेकिन ग्रेविटी तो रुकेगा ना, वो तो नीचे बुलाएगा, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक मच टाइम। तो दिखने में ऐसा लगेगा कि कुछ कोई मतलब एंटी ग्रेविटी चल रहा है, कोई एंटी ग्रेविटी नहीं होता इसमें, तो सिर्फ इतना है कि वो मतलब बहुत टाइम लग जाता है नीचे आने में। इसमें कौन सा कितना कॉन्सेप्ट आप कवर कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, फैराडेस लॉ हो गया, एक लेंस लॉ हो गया, और एक ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट का, और एक एडी करंट का, जानते हैं एडी करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है एडी करंट। तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में आप पहले ऐसा समझा के उसके बाद में बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड पे तो जाना पड़ेगा ही, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ही, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब ये है कि जब भी आप उससे जाने से पहले कुछ करके जाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि अब ऐसा खेल खेल में 12th क्लास को तो नहीं पढ़ा सकते, और 10th क्लास को तो ऐसा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके अगर पढ़ाएंगे तो शायद उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं क्लास से, वो बच्चे एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, रदर देन दैट, क्योंकि वो लोग का बोलने का स्किल अलग है,
क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो जैसे भी पढ़ लेगा, लेकिन हमारा टीचर का मकसद ये है कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसको कनेक्ट कराएं कैसे क्लास में। वो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ही होता है, और वो खुद जब तक नहीं करता है तब तक नहीं सीखता है। मैं खुद करने के लिए मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, मैं खुद करता नहीं, मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ तुम इसको मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करो, क्योंकि जब तक वो मॉडिफाई नहीं करेगा तब तक वो ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएगा। देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग सब जानते हैं, एक बार कोई वॉलंटियर, एक एक लड़का, कोई एक स्टूडेंट विल हेल्प मी, कैन समबडी कम हियर, या प्लीज इस तरफ से पकड़ेंगे, ठीक है, जोर से दोनों हाथ से पकड़िए, कस के, ठीक है, राइट राइट। वी ऑल नो व्हाट इज साउंड, साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस, ओके, साउंड नहीं है, वाइब्रेशन ही है, सिर्फ वाइब्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम, इसी को हम बोलते हैं साउंड। देखिए यहां पे आप मेरे को सुन पा रहे हैं या मैं आपको सुन पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ साउंड, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग one particle is going to vibrate, see how the other particles are going to vibrate, how it is going to make all the particles to and fro motion, dekhiye dhyan se aur zor se aur aapki taraf kicho, dekhiye how it is going to move, then you are going to observe another important phenomena, that is what we called stationary wave, dekhiye dhyan se ab aage bhi ja raha hai aur piche bhi aa raha hai, dekhiye trap between a fixed region, that is what we called node and antinode, stationary wave concept, aap aise pakde aise pakdo, aap dekhiye aap dna dikh raha hai aapko, structure of dna hai, theek hai, aur thoda ghumaiye, स्ट्रक्चर सिमिलर टू जो डायग्राम आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो आप आराम से एक ही कॉन्सेप्ट से आप क्या क्या सीख सकते हैं, साउंड वेव क्या है, स्टेशनरी वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है, ये सब आप सीख सकते हैं एक ही इससे। देखिए एक पेपर वेट है जो सेमी सर्कुलर शेप में है, ये आपको मेडिकल शॉप वाला अगर जान पहचान का है तो मतलब दे देगा, वो आपको मिल जाएगा। So, when we are going to say that when light is traveling from one medium to another medium, जैसे मान लीजिए एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी लिया और उसमें इसको डाल दिया, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया, इज इट अपीयर टू बी बेंट, इज एग्जैक्टली समबडी सेइंग रिफ्रैक्शन, एंड रिफ्रैक्शन इज एग्जैक्टली द राइट आंसर, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कितने लोग हमें एग्जैक्टली माने 12th क्लास या 10th क्लास या 9th क्लास, कितने बच्चे एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन का मतलब जानते हैं। अब किसी भी बच्चे से पूछिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो बोलेगा बेंडिंग, बस उतना ही, लेकिन उसमें कितना चीज इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, उसके बाद में यस एग्जैक्टली, एंड क्योंकि वो तो पूरा डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम कॉन्सेप्ट ही है। देखिए अब मैं उसको बोलूंगा तुम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें एंगल्स लिखा हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक पेपर है, उसको सर्किल बनवाया और उसको बोला कि तुम थोड़ा एंगल्स लिखवाओ उसमें, और मैं उसको ऐसा लगाए यहाँ पे, उसके बाद में व्हेन आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट यू फोकस लेजर लाइट, स्टिफ नहीं है थोड़ा, तो अगर 35 से लेजर लाइट जाता है तो ये 20 में आ रहा है, देखिए ध्यान से तो देख पाएगा आराम से, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री, तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, जो रिफ्लेक्शन में होता था वो रिफ्रैक्शन में नहीं होगा, किसलिए नहीं होगा, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना जो एक ही मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना जो दो मीडियम में होता है, तो यहां पे दो मीडियम कहां से, एक मीडियम तो एयर है जो यहां पे, एक मीडियम है ग्लास जो सॉलिड सब्सटेंस है। व्हेनेवर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट अपीयर्स टू बी बेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, दिस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आप ऐसे ही बोलेंगे उसको कि बोर्ड पे तो समझने में टाइम लग जाएगा। देखिए हम एक मीडियम से दूसरा मीडियम ट्राई करेंगे, इसको आप करेंगे डेंसर टू रेरर, क्या होता है देखिए वो आराम से कैसे समझ पाएगा डेंसर टू रेरर, देखिए मैं 20 पे डाल रहा हूं और वो जा रहे 45 पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है, तो क्या समझ पाएंगे आप लोग, ये समझ पाएंगे कि डेंसर में जब रेरर में जाएगा लाइट तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, किस लिए वेलोसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि डेंसर में ज्यादा पार्टिकल्स रहते हैं रेरर में कम पार्टिकल्स रहते हैं। आप जानते हैं ना साउंड और लाइट के बीच में फर्क क्या है, जहां पे साउंड बहुत ज्यादा जाता है किसमें, मेटल में, वहां पे लाइट जाएगा ही नहीं, जहां पे लाइट सबसे ज्यादा जाता है किसमें, वैक्यूम में, हाँ लाइट
वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वहां पे साउंड जाएगा ही नहीं। क्यों? लाइट और साउंड के बीच में एक ही फर्क है, साउंड के लिए कोई तो चाहिए ले जाने के लिए, लाइट के लिए कोई नहीं चाहिए। जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे लाइट आराम से चला जाएगा। वैक्यूम एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज वैक्यूम, आप जानते हैं, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू हैव अनदर थिंग। सी, आपको बॉटल का कैप कैसे खोलते हैं? आप लोग बॉटल कैप खोलते हैं ना, तो कैसे खोलते हैं एक बार ऐसा करिए, ऐसे ही करते हैं ना, तो आप लोग कभी कोशिश किया ऐसा? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बोतल का कैप है, ऐसा खोलते हैं बोतल का कैप, ऐसा खुलेगा क्या ऐसा बोतल का कैप? क्यों नहीं खुलता है? नहीं, वैसे तो हम ये सोचते हैं कि कितना फोर्स लगाने से वो खुलेगा, बस क्यों उतना ही, लेकिन आप सोचिए कि इसमें कितना फोर्स की जरूरत पड़ती है और कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब इसे टॉर्क बोलते हैं। देखिए, अब एक बॉल लिया, एक स्ट्रा है और यहाँ पे दो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और नाउ व्हाई इट इज रोटेटिंग, यू कैन एबल टू ऑब्जर्व इट इज रोटेटिंग, व्हाई इट इज रोटेटिंग। हाँ, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ इन्वॉल्व है, लेकिन उससे ज्यादा क्या इन्वॉल्व है, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क। देखिए यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, माने एक ऑब्जेक्ट को घुमाने में कितना फोर्स की जरूरत है, दो फोर्स की जरूरत है। दो फोर्स में आपने कभी ट्राई किया बॉटल का कैप में इस उंगली में ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और इस उंगली में कम फोर्स लगाऊंगा, होगा आपसे? आप कर सकते हैं? चाहते हुए भी नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा नहीं खोल सकते, मतलब ऐसे ही खोलेंगे। टू इक्वल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड एंड दोस फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन एक इस तरफ एक इस तरफ, खुल गया, चलिए हो जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, अगली बार इतना जोर लगाने लगाऊंगा, ठीक। So then you are going to observe that two equal, unlike parallel forces are going to act on a body to make a complete rotation. So a concept hai aapka moment of force ka. Achha, main aapse bolunga angular velocity kya hota hai. To kitne log bolenge angular velocity kya hota hai? Chaliye, angular momentum kya hota hai? Achha, momentum kya hota hai? Mass times velocity, mv. Chaliye. हम एंगुलर मोमेंटम समझाते हैं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत मुश्किल होता है, मैं जब बच्चे हमसे पूछते हैं मोमेंटम क्या होता है, मैं एक चाकू लेकर छत से मारता हूँ, वही होता है मोमेंटम। एक मास है मेरा हाथ में, मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ और उसको जोर से लगेगा, वो मोमेंटम है, एमवी, ठीक है। और इतना पत्थर लूंगा तो ज्यादा मास है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और मुझे पुलिस स्टेशन, ठीक। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोमेंटम। कब बढ़ता है मोमेंटम? इज गोइंग टू बी इंक्रीज व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मास एज वेल एज वेलोसिटी। चलिए अब इसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब मेरे पास तो डिवाइस नहीं है लेकिन मैं आपको समझाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप में दो तीन बच्चे कम से कम करें इसको एंगुलर मोमेंटम। चलिए एक रस्सी लेते हैं, एक रस्सी लेंगे थ्रेड, और उसकी अदर एंड में एक स्टोन को बांधेंगे, स्टोन नहीं चॉप पीस लीजिए, कोई सा भी छोटा सा मास, और अपना भाई को बुलाइए और उसको ऐसा घुमाइए, उसको लगेगा, ठीक है, तो लगेगा ना। तो अब इस बार क्या करेंगे, बड़ा सा रस्सी लेंगे, ठीक है, अब इस बार मारेंगे। अच्छा, किस केस में ज्यादा जोर से लगता है, छोटा सा रस्सी या बड़ा सा रस्सी? गेस करिए स्टूडेंट्स, बड़ा सा रस्सी, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है, ठीक है, इट इज हैविंग मोर रेडियस बिकॉज यू आर मेकिंग सर्कुलर मोशन, व्हेन एवर द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेडियस जो लीनियर में नहीं होता है। आप एक चॉक पीस लिया और ऐसा मारा तो वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा ना, लीनियर मोशन में जाएगा। अब आप रस्सी से लिया तो एम भी है, V भी है और R भी है, जिसे हम बोलते हैं M V R, जो होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं, बस इतना ही फर्क है एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्कुलर मोशन में, कर्व्ड मोशन में अप्लाई होता है, लीनियर मोशन है वो स्ट्राइट लाइन मोशन में अप्लाई होता है। ऐसा चीज जब आप कुछ सीखने से पहले, बोर्ड पे सीखने से पहले आप बच्चों से करवाते हैं तो देन इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि उसके दिमाग में यही रहेगा कि मैं कुछ सीखूंगा। मैं एक फिफ्थ क्लास बच्चे को बोला कि यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ये तो टॉय ये है, मैं उनसे बोला कि एक टॉय बना सकते हो मेरे लिए। उस दिन मेरा लीजर पीरियड था तो मुझे फिफ्थ क्लास में भेज दिया, बैठो थोड़ी देर के लिए। मैं जब भी फिफ्थ क्लास में बैठता हूँ या फोर्थ क्लास में, मैं एंजॉय करता हूँ क्लास को, क्योंकि वैसे आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे कि बड़े बच्चों को मेंटेन करना बहुत ईजी है, लेकिन आप थर्ड क्लास में जाएंगे तो आपको सुनेगा ही नहीं, वो अपना इसमें रहेंगे। लेकिन मैं क्लासरूम में एक ही बात बोला कि तुम लोग एक काम करते हैं, मेरा थोड़ा मदद करो। पहले वो लोग इतना इंटरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि दे आर गोइंग टू हेल्प टीचर, तो टीचर मदद मांग रहे हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगा उनको।
मैं बोला कि एक टॉय बनाओ मेरे लिए, ठीक है, वो चलना चाहिए, ऐसा एक मोटर बनाओ ताकि वाइब्रेशन आएगा। तो एक लड़का ने अगला तीन बच्चे बनाए, तीन बच्चे बना के लेके, उसमें जो अच्छा है वो मैं लेके आया, देखेगा तो ऐसे दिखने में मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वाइब्रेशन से कैसा बॉडी वाइब्रेट होता है, ऐसा चीज मतलब आराम से बच्चा समझ लेते हैं कि एक चीज बनाने में कैसा मतलब आसान होता है। ऐसे ही आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको घर में जरूर करिएगा, और आप 100 रुपीज 1000 रुपीज भी बेट लगाइए किसी दोस्त से, कोई नहीं जीत पाएगा। मैं यहां से दिखाऊंगा आपको, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपका पैर जो है वो दीवार पे लगाइए ऐसा, और पूरा आपका बॉडी का ये पूरा जितना भी है आपको दीवार पे होना चाहिए, और अपना दोस्त को बोलिए ये पैर को हिलाने के लिए, वो लाखों कोशिश करेगा लेकिन हिला नहीं पाएगा, इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप समझ में आया ना, आप मैंने जो किया जो समझ में आया आपको, तो आप चाहे हुए भी नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, जब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब क्लास 8 में एक लेसन जब शुरू होता है लाइट का, तो देता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो ये वर्ड सुनेगा ना मतलब वो डर जाएगा पहले, ये मतलब क्या सिखा रहे हैं हमको, कि आप लोग में कितना लोग जानते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, और पता है आपको मतलब बहुत सारा बड़ा इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, लाखों रुपए लगेंगे। हाँ, वो लाखों रुपए ऐसे लगेंगे, बस एक पैड चाहिए, एक पैड चाहिए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को समझाने में कुछ भी नहीं चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या तुम देख पाओगे, मतलब कैन यू एबल टू सी मी, देन एवरीबॉडी विल से या आई कैन सी यू, देन कैन यू सी मी, नो यू कांट सी मी, व्हाई कांट यू सी मी, नाउ यू कांट सी मी, नाउ यू कैन सी मी, बस यही तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। अच्छा, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, यस, क्योंकि साउंड का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं है। तो इतना छोटा सा मतलब एक्टिविटीज से हम फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करिकुलम गलत है या कुछ गलत है, प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि हमें मतलब प्रेशर होता है कि तुम इतना सा टेक्स्ट बुक को ख़त्म करो, और हम लोग कभी कभी, मैंने ऑलरेडी बोला आपको इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 30 मिनट्स, तो उसे ज़्यादा मतलब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कभी कभी 3 पीरियड भी बोलना पड़ता है, तो हमारा प्रॉब्लम है, हम विलन बन जाते हैं स्कूल में, कि सबसे बड़ा विलन तो फिजिक्स टीचर ही होता है स्कूल में, क्योंकि वो ऐसा चीज़ बारे में बोलेगा जो किसी से कनेक्ट ही नहीं होता है। लेकिन मैं इतना मतलब आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द क्लासरूम यू आर गोइंग टू सी द मैजिक। तो फिजिक्स एक ऐसा क्लास है जो मतलब आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा क्लास है फिजिक्स। बस फर्क इतना ही है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं, हाँ मैं, यस आई कैन डू इट, मैं लर्न करूँगा, ये जो नया कॉन्सेप्ट है मैं सीखने का कोशिश करूँगा। जब तक आप ये सब इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप फिजिक्स सीख नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेनिंग दी।